आज आप हिंदुस्तान की एक ऐसी प्यारी कहानी सुनने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। 1794 मैसूर वॉर, थर्ड मैसूर वॉर टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ। टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने एक ट्रक जा रहा था ब्रिटिशर्स का, उसके अंदर चलाने वाला एक मराठी था, उनका नाम था कोसाजी। उनको पकड़ा और जब वैसे ही वॉर खत्म हुआ ना, उनकी नाक काटी गई। क्या काटी गई? और नाक काटने के बाद वो जैसे ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनको एक ब्रिटिश डॉक्टर के पास लेके गए। तो उसने मना किया कि आप आपके डॉक्टर को छोड़िए, मैं इंडियन डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो उस समय का इंडियन डॉक्टर था डॉक्टर कुमार, क्या नाम था? और वो क्या करता था मालूम है? ईंट भट्टे का काम। बोला मैं इसी से काम कराऊंगा। उसने क्या किया कि सिर के ऊपर से चमड़ी निकाली और नाक के ऊपर चिपकाई, और थोड़े दिनों बाद नाक भी आ गई और चमड़ी भी आ गई। उसका फोटो उन्होंने लिया। फोटो लेने के बाद ये बात कहां पहुंची? ब्रिटिश वहां पहुंचती। तो वहां जॉन फर्गुसन कर्फू करके बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो इंडिया आए और कई साल तक ये कुमार जो ईंट भट्टे वाला था ना, उसके पास ये सर्जरी सीखी। अच्छा। प्लास्टिक सर्जरी जिसको बोलते हैं। और 1816 में वो वहां गया और उन्होंने सबसे पहले वो ऑपरेशन किया। देखिए काम किसका? इंडियन का। सीखा बनाया किसने? ब्रिटिशर्स ने। फिर अपना नाम दिया जॉन फर्गुसन थ्योरी। आप आज भी पढ़ेंगे तो कर्फू थ्योरी आती है प्लास्टिक सर्जरी की। और सिखाने वाला कौन था? 2500 साल पहले यहाँ पे सुश्रुत करके बहुत बड़े महर्षि हुई, उन्होंने ब्रेन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और 108 तरीके बताए थे कि कैसे कैसे सर्जरियां यहाँ हिंदुस्तान कैसा कैसा था। आप सोचिए कि राइट ब्रदर्स 1803 में सबने बोला गए, पर 1795 में अपने यहाँ शिवाजी और तलपड़े जो चौपाटी है ना, वो चौपाटी पे उन्होंने उससे 8 साल पहले हवाई जहाज उड़ाया था, 1500 मीटर ऊंचा। और गोविंद रानाडे और बड़ौदा के जो थे चीफ, वो दोनों ने उसको विटनेस किया था, पर हम लोगों ने रिकॉर्ड करना। तो यहाँ से एक ब्रिटिश कंपनी लेके गई और वो आइडिया दिया राइट ब्रदर्स को, और आज वो पेटेंट है राइट ब्रदर्स के नाम से। हिंदुस्तान कैसे कैसे लोगों को मिले? मार्कनी जिसने सिग्नल पैदा किया ना, जो सिग्नल पैदा किया, तो अपने यहाँ उससे पहले जेसी बोस ऑलरेडी सिग्नल बना चुके थे। एडिसन ने जब लाइट पैदा की ना, उसी समय अपने यहाँ जेसी जगदीश चंद्र बसु थे, उन्होंने भी लाइट पैदा कर दी थी। और ये जो दुनिया को लोग बोलते हैं ना, ये लोग 17वीं शताब्दी तक अपने आप को दुनिया को छपटी बोलते थे। और अपने हिंदुस्तान कैसा था? आज भी आप ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं? भूगोल। हमारे यहाँ हजारों साल से मालूम था कि गोली, और अपना वराह अवतार आप देखेंगे ना, तो भगवान ने वराह अवतार में मुंह में जो रखी है ना, वो गोल है। तो हिंदुस्तान के अगर शास्त्रों को पढ़ा जाए ना सर, तो दुनिया में आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए सर, हिंदुस्तान की जय।